विदेशी चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव साथ होंगे, वैष्णव कहते हुए नजर आए। शीतकालीन सत्र से बिल लेकर सरकार आएगी, यानी कि आने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लेकर आने वाली है। कमेटी की रिपोर्ट पर आगे देश भर में भी चर्चा होगी। मार्च में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी। रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। आम चुनाव के 100 दिन बाद होंगे निकाय चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। बता दें कि इस पर कोविंद कमेटी ने रिपोर्ट दी थी। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय चुनाव भी हो जाने चाहिए। इससे पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि में सभी स्तर के चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। वर्तमान में विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग अलग आयोजित किए जाते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत करते नजर आए हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि मैं सभी से एक राष्ट्र एक चुनाव के संकल्प को हासिल करने के लिए एक साथ आने का अनुरोध करता हूँ, जो समय की मांग है। और लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार सरकार को घेरता हुआ नजर आया है। एक देश एक चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। लोकसभा विधानसभा चुनाव होंगे, शीतकालीन सत्र में सरकार बिल लेकर आएगी। कमेटी की रिपोर्ट पर आगे देश भर में चर्चा होगी।